हेलो फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हम लोग थर्टी वन से सिक्सटी वन सिक्सटी नंबर तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया था जीएसएससी जेई की जो ब्रांच पेपर की सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आई गई थी उसके इस वीडियो में हम लोग सिक्सटी वन नंबर से क्वेश्चन से बात करेंगे तो चलिए बात करते हैं तो यहाँ पे दे, देखिए पहला जो सिक्सटी वन नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड द प्रोसेस ऑफ इवेल्यूटिंग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट इज कॉल तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एटीमेटिंग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू द फील्ड डेंसिटी ऑफ सॉइल कैन बी फाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सैंड रिप्लेसमेंट मेथड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री क्विक्स सेंड फिनोमिन इज काउज बाय तो राइट आंसर का फिर ऑप्शन नंबर ए सी पेज प्रेसर नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग माउथपीस इज राइट आंसर हैज इज हैविंग मैक्सिमम कॉफीशेंट ऑफ डिस्चार्ज तो कौन सा माउथपीस का सबसे ज़्यादा कॉफीशेंट ऑफ डिस्चार्ज होता है फ्रेंड मैक्सिमम तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी कन्वर्जेंट डायवर्जेंट पीस क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव द स्लीपर रेस्टिंग डायरेक्टली ऑन गडर फास्ट टू द टॉप फ्लेंज ऑफ गडर बाय राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुक बोल्ट से फास्ट एंड किया जाता है फ्रेंड अगर आप सिविल बज टू पॉइंट में पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा तो चलिए सिक्सटी सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ फ्रेंड द प्रोसेस ऑफ स्पेसिंग द कंटूर प्रोपोर्शनिटी बिटवीन द पोलटेड ग्राउंड पॉइंट स्टाब्लिश बाई इन डायरेक्ट मेथड इज एज तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे सिक्सटी सेवन नंबर क्वेश्चन द वेट ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स शुड बी अप्रॉक्सीमेटली तो थ्री टू थ्री पॉइंट फाइव के जी पर के जी होता है फ्रेंड तो राइट right आंसर हो जाएगा पे ऑप्शन नंबर डी थ्री हंड्रेड थ्री थाउजेंड ग्राम क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन लेमिनार फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप फॉलोज तो फ्रेंड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है तो कुछ इस टाइप का होता है बीच में मैक्सिमम होता है तो पैराबोलिक लॉ फॉलो करता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिक्सटी नाइन नंबर क्वेश्चन बोला गया फ्रेंड यूनिट मास ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील तो राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सेवन एट फाइव जीरो के जी पर क्यूब क्यूबिक मीटर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी इन स्ट्रक्चर आज दोज विच हैव राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोर अनन नॉन रिएक्शन द स्ट्रक्चर विच हैज मोर अन नॉन रिएक्शन इज कॉल्ड इन स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन क्वान्टिटीटी ऑफ वन मीटर इंटू वन मीटर इंटू वन मीटर इन साइड डायमेंशन ऑफ वाटर टैंक इज तो फ्रेंड वन मीटर क्यूब हो गया फ्रेंड तो वन मीटर क्यूब आप सभी जानते हैं कि एक हज़ार लीटर के इक्वल होता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू इन कोल्ड वेदरिंग कंट्री सीमेंट प्रीफर्ड इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए पंप इज द स्पीड एट विच ए पंप रन वेन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हेड डेवलप्ड यूनिटी एंड डिस्चार्ज इज वन क्यूबिक मीटर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन ए फ्लाइट ऑफ स्टेरकेट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड अप टू राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ट्वेल्व फ्रेंड्स कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स किसी फ्लाइट में कितने हो सकते हैं वो आप कमेंट करके बताइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव इन डिटेल एस्टीमेट द वॉल्यूम्स आर वर्कड आउट द नियरेस्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर क्यूब फ्रेंड अगर यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में पूछा गया अगर एरिया के बारे में भी पूछा जाता तो जीरो पॉइंट जीरो वन ही होता लेकिन मीटर स्क्वायर हो जाता अगर थिकनेस के बारे में पूछा था उसका भी जीरो पॉइंट जीरो वन वैल्यू हमेशा वही रहेगी फ्रेंड बस मीटर स्क्वायर मीटर या फिर मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स द सपोर्ट ऑफ फ्लैट स्लैब इज प्रोवाइडेड ऑन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कॉलम बिल्ड मोनिथिकली विथ स्लैब क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन द मैक्सिमम स्पेसिफिक स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट इन अन रेनफोर्स रिजिट पेमेंट इज तो फ्रेंड अन रेनफोर्स रिजिट पेमेंट बोल रहा है तो उसका राइट आंसर होगा फोर पॉइंट फाइव मीटर अगर यहाँ पे रेनफोस्ट में बोलता तो वो लाइक करता है अपने बारह से बाईस के बीच में क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट बोला गया है व्हाट सेल बी द मोमेंट ऑफ इनसिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ विड्स टेन सेंटीमीटर एंड डेप्थ ट्वेंटी सेंटीमीटर अबाउट हॉजेंटल एक्सिस थ्रो इट्स एंट्रॉयड तो कुछ नहीं करना अपने हॉरिजेंटल एक्सिस के कैसे बोला गया तो इसका क्यूब हो जाएगा और डी बी डी क्यूब बाय बारह तो राइट right आंसर आ जाएगा आपके पास साथ ए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन वट विल be द maximum सीयर फोर्स इन कैंटिलीवर ऑफ फोर मीटर span having हैविंग पॉइंट लोड ऑफ फोर किलोमीटर एट द फ्री इंड तो फ्रेंड मैक्सिमम सीयर फोर्स है तो जितना लोड होगा फ्री इंड में उतना ही होगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फोर किलोमीटर क्वेश्चन नंबर एटी सॉइल क्लासिफिकेशन इज डन प्राइमली टू तो राइट आंसर होगा फ्रेंड फाइंड द सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल क्वेश्चन नंबर एटी वन द मोस्ट सुटेबल मोटर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क इन वाटर लॉग्ड एरिया इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सीमेंट स फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगुलर वी आर विथ इंट कॉन्ट्रेक्शन सप्रेड इज गिवन एज राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी क्यू इक्वल टू वन पॉइंट एट फोर एल का पावर एल इंटू एच का पावर थ्री बाई टू क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री सिलिंडरनेस रेशियो इन कॉलम इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए अनसपोर्टेड लेंथ एंड द लिस्ट लेटरल डायमेंशन राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर लोकल वर्ड रिफर्स टू राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आई बीम फोर स्टोन मोह मोहज स्केल इज यू डू डिटरमाइन तो राइट आंसर का फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हार्डनेस मोह स्केल हार्डनेस निकालने के लिए करते हैं एटी सिक्स नंबर क्वेश्चन इन हाई कॉस्ट लैंड ए लाइन कैनल ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी में हैव ए सेक्शन ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग सेप तो राइट आंसर का फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी क्रीप्ड सेप्ड क्रीप मतलब होता है नाद टाइप का फ्रेंड तो एक्चुअली यहाँ पर कॉर्नर को जो कॉर्नर को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है तो नाद के सेप का बना दिया जाता है ताकि इसका इसमें तो का क्रीप हो जाएगा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन ओवरफॉल फ्लूम डिपेंड्स अपॉन तो ऑप्शन नंबर ए द डेप्थ ऑफ वाटर ओवर द क्रेस्ट क्वेश्चन नंबर एटी एट सॉइल ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन काबाउट विच अबाउट द सॉयल ऑप्शन ए ग्रेडेशन इज द राइट आंसर एटी नाइन नंबर क्वेश्चन रोल्ड बीम्स आर यूज फॉर स्पेन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वन टू थर्टी मीटर स्पेन क्वेश्चन नंबर नाइंटी द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर कंक्रीट वर्क इन आर इज इन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्यूबिक मीटर क्वेश्चन नंबर नाइंटी वन वर्ड रेशियो ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वॉल्यूम ऑफ ऑफ्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड क्वेश्चन नंबर नाइंटी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोन हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्बस राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेल क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री इन डम्पी लेवल पैरलेक्स इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए कंडीशन व्हेन द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर नेक्स्ट नाइन्टी फोर नंबर क्वेश्चन बर्नोलीज इक्वेशन इज डिराइव्ड मेकिंग ए दैट तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी द फ्लो इज स्टीडी नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल एंड इोटेशनल क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव

आर सी सी सेक्शन विथ कंजस्टेड रेनफोर्समेंट कॉम्पेक्शन फैक्टर इज तो हाइएस्ट होता फ्रेंड तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जीरो पॉइंट नाइन फाइव नाइन्टी सेवन नंबर क्वेश्चन पीच ऑफ रूप ट्रस इज द रेशियो ऑफ तो हाइट बाई स्पान हो जाएगा फ्रेंड तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हाइट टू स्पान क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट द स्पेसिफिक वेट ऑफ वन लीटर ऑफ ए लिक्विड इज विच वे सेवन न्यूटन इज तो फ्रेंड वन लीटर में वन बट्टे वन थाउजेंड मीटर क्यूब होता है तो इसको अगर चेंज कीजिएगा तो राइट right आंसर आ जाएगा निकल के बी सेवन थाउजेंड न्यूटन पर मीटर क्यूब क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन द वेट ऑफ टेन एम एम डाई मीटर माइल स्टील रोड रोड पर मीटर लेंथ इज इक्वल टू तो फ्रेंड यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिएगा के टेन का पावर इज बट बाई वन सिक्सटी टू तो जो निकल के आएगा डी स्क्वायर बाई वन सिक्सटी टू करके देखिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा जीरो पॉइंट सिक्स टू के जी नेक्स्ट हंड्रेड नंबर क्वेश्चन इन लेबलिंग वर्क्स कर्वेचर करेक्शन एज अप्लाइड टू द स्टाफ रीडिंग इज ऑलवेज राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नेगेटिव हंड्रेड एंड वन नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सीमेंट पैक्ड इन वन गनी बैग इन मीटर क्यूब राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जीरो पॉइंट जीरो थ्री फाइव द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्विफर मटेरियल इज नॉन एज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्पेसिफिक यील्ड वन हंड्रेड थ्री नंबर क्वेश्चन साइनाइट इज अ तो राइट आंसर का फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक फ्रेंड यहाँ पे साइनाइट फिर ग्रेनाइट ये सब सभी इसी के केस में आते हैं तो याद कर रखिएगा यहाँ पे बोला गया बॉटम सर्कल डायमीटर इन ओवल सीवर इज तो राइट आंसर का फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी वन बाई टू डी फ्रेंड ओवल सेवर और एग सेव सीवर सभी एक ही होते हैं तो तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वन पॉइंट टू डी वन हंड्रेड फाइव नंबर क्वेश्चन एलोवल नॉइज लेवल इन रेसिडेंशियल एरिया इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फिफ्टी फाइव डी बी फ्रेंड्स यहाँ पे इसका डेटा देखिए फ्रेंड यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं इन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल एरिया में जो होता है द परमिशिबल लिमिट इज सेवेंटी फाइव डी बी फॉर डे टाइम डे टाइम में सेवेंटी फाइव डी बी होता है और सेवेंटी डी बी एट नाइट अगर कॉमर्शियल एरिया की बात किया जाए तो इट इज़ सिक्सटी फाइव डी बी इन डे टाइम एंड फिफ्टी फाइव डी बी और वाइल्ड रेसिडेंशियल एरिया रेसिडेंशियल एरिया के केस में फिफ्टी फाइव डी बी इन डे टाइम एंड फोर्टी फाइव डी बी इन नाइट टाइम रिस्पेक्टिवली तो फ्रेंड्स ये सभी नोट कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ भी पूछा अगर कहीं पर मैंसन देकर भी पूछा जाता है कि डे टाइम में कितना होता है तो और अगर कुछ मैंसन नहीं है तो डे टाइम को ही लीजिएगा तो नेक्स्ट देखते हैं वन हंड्रेड सिक्स नंबर क्वेश्चन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच परमिट्स द पैसेज ऑफ वाटर थ्रू इट्स हड इज एज राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी परमिबिलिटी क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सेवन आई एस एच बी सिक्सटी हंड्रेड इंडिकेट्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डेप्थ इज छः सौ जो इंडिकेट करता है फ्रैंड वो डेप्थ करता है तो डेप्थ इज सिक्स हंड्रेड एम एम वन हंड्रेड एट नंबर क्वेश्चन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन बिल्डिंग रूल्स इन तमिलनाडु एंड राजस्थान इज़ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसा कि आ, आप सभी को पता है फ्रेंड राजस्थान और तमिलनाडु के इलाके में वाटर की बहुत प्रॉब्लम है तो वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज किया जाता है बिल्डिंग बनाने में ताकि ऐसा बनाएं ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सके जो रेन वाटर कलेक्ट करके एक जगह कलेक्ट किया जाए ताकि कोई हारवेस्टिंग में यूज कर, कर किया जा सके तो वन हंड्रेड नाइन नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द स्ट्रक्चर हैव सस्टेने सब्सटेंशियल विंड प्रेशर तो राइट आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए चिमनी क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड टेन द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग फॉर ए रिटेनिंग वॉल इज तो फ्रेंड्स एक्चुअली इसका स्लाइडिंग का वन पॉइंट फाइव होता है तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वन पॉइंट सेवन फाइव अगर ओवर टर्निंग के केस में पूछा जाता तो टू हो जाता फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एलेवन वेन थिकनेस इज स्पेसिफाइड द हनी कॉम ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन फ्रेंड यहाँ पे थिकनेस जब मैंसन रहेगा तो वो स्क्वायर मीटर में हो जाएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वन हंड्रेड ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इन द शेयरिंग रेसिस्टेंस ऑफ सॉइल तो राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर रहता है फ्रिक्शनल भी रहता है और भी रहता है तो ये कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता हंड्रेड एंड थर्टी नंबर नोट्स रिड्यूस द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वुड राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अक्रॉस द ग्रेन वन एकड़ इज तो राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी जीरो पॉइंट फोर जीरो फोर सिक्स सेवन हेक्टेयर्स वन हंड्रेड फिफ्टीन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर मेंबर रेसिस्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए साफ्ट साफ्ट जो है वो टॉर्सन को रेसिस्ट करता है वन हंड्रेड सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन इन कैंटिलीवर बीम टेंसाइल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑन द टॉप ऑफ द बीम वन हंड्रेड सेवनटीन नंबर क्वेश्चन लिवेबल एरिया फॉर ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कारपेट एरिया को लिवेबल एरिया भी बोलते हैं वन हंड्रेड एट्टीन नंबर क्वेश्चन प्लेट यूड इन द टॉप पब्लिक बॉटम ऑफ द प्लेट गर्डर आर ऑल्सो आर कॉल्ड एज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कवर प्लेट हंड्रेड एंड नाइनटीन नंबर क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चरल स्टील नॉन एज राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माइल्ड स्टील हंड्रेड एंड ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन इन ए बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम सीयर स्टेट टू एवरेज सियर स्टेट इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वन पॉइंट फाइव यानी कि थ्री बाई टू होता है फ्रेंड तो वन पॉइंट फाइव राइट आंसर हो जाएगा वन हंड्रेड ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन Right right यहां पर अगर आप तीनों का बात कर लिया जाएकली के लिए पूछा गया अगर acid, acid के लिए पूछा जाता है तो लाइन स्टोन एंड लीचिंग होता है और अगर सैलाइन के लिए बोला जाए तो लीचिंग वन होता है तो याद रखिएगा इसको 123 नंबर क्वेश्चन द शेप ऑफ द कैम्बर बेस्ट सुटेड फॉर सीमेंट कंक्रीट पेमेंट इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेट लाइन 124 नंबर क्वेश्चन द परमिशिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑन फुल एरिया ऑफ कंक्रीट बी टेक्कन एज तो फ्रेंड्स इसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि अगर आप लिमिट स्टेट की बात करें यहाँ पे देखिए फ्रेंड क्लॉज थर्टी फोर पॉइंट फोर ऑफ आई एस फोर फिफ्टी सिक्स टू थाउजेंडेंडेंडेंडेंड लिमिट द परमिशिबल बियरिंग स्टेट ऑफ कंक्रीट टू जीरो पॉइंट टू फाइव एफ सी के इन केस ऑफ डब्ल्यू एस एम अगर डब्ल्यू एस एम केस में बात करें तो जीरो पॉइंट टू फाइव एफ सी का होता है एंड जीरो पॉइंट फोर फाइव एव स के इन एल एम डिजाइन तो फ्रेंड्स वहाँ पे ऑप्शन दोनों है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ऑप्शन दोनों है तो आप किसको मार्क कीजिएगा इसमें दोनों में से जो मार्क कीजिएगा वो वो राइट आंसर होगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर फाइव एफ सी के यहाँ पे देखिए फ्रेंड मिनिमम क्यूरिंग पीरियड फॉर ए लाइम मोटर इज राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सेवन डेज नेक्स्ट वन ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ वाटर आर तो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी बी ओ डी डी ओ एसिड एंड एल्कली ऑल वन ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन वन ऑफ द मेन डिमेरिट्स इज यूजिंग द लाइम मोटर इज दैट इट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डज नॉट सेट क्विकली लाइम मोटर मिक्सिंग इज 129 number question los angel testing machine is used to conduct right answer option number d aberration test question number 130 hard boards are example of right answer option number b fiber board 131 number question effective length of compression flange for unrestrained condition is right answer option number c l 132 number question workability of concrete can be improved by राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इंक्रीजिंग साइज ऑफ एग्रीगेट 132 थर्टी टू नंबर क्वेश्चन मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर हाईवे इन इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ग्रेनुलर सॉयल क्वेश्चन नंबर 134 थर्टी फोर मिनिमम क्लियर कवर इन एम एम टू द मेन स्टील बार्स इन स्लैब बीम कॉलम एंड फुटिंग रिस्पेक्टिवली आर तो फ्रेंड स्लैब के केस में होगा फिफ्टीन बीम के केस में ट्वेंटी फाइव कॉलम के केस में फोर्टी एंड फुटिंग केस में सेवेंटी फाइव तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेक्स्ट वन थर्टी फाइव द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट बेंडिंग मोमेंट इन मेसनरी वाल हैव बिंग आर सी सी फुटिंग अकर्स एट राइट आंसर हाफ वे बिटवीन द मिडिल एंड फेस ऑफ द वॉल ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर वन थर्टी सिक्स द परमिशबल वैल्यू ऑफ लोकल बॉन्ड स्ट्रेस फोर एम फिफ्टीन सीमेंट कंक्रीट इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टेन के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी थ्री पॉइंट वन फाइव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट right, क्वेश्चन है फ्रेंड इसको याद करके रखिएगा नेक्स्ट है वन ग्राउंड इज तो राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी टू हंड्रेड ट्वेंटी टू पॉइंट नाइन सिक्स स्क्वायर मीटर क्वेश्चन नंबर वन थर्टी नाइन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर सेप्टिक टैंक फंक्शनिंग तो राइट आंसर का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सोप सोल्यूशन नेक्स्ट वन थर्टी वन फोर्टी नंबर क्वेश्चन टर्बिडिटी ऑफ टर्बिलिटी इन वाटर इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर राइट आंसर नेक्स्ट 141 फोर्टी वन नंबर क्वेश्चन इन मैनुफैक्चरिंग द रूप ट्रस् स्लोपिंग एंगल बिटवीन द इंटरनल मेंबर इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 30 टू 60 डिग्री 142 नंबर क्वेश्चन फॉर एफ फॉर फोर वन हंड्रेड वन फिफ्टीन स्टील इफ डी बाई टी डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू सिक्सटी सेवन देन प्लेट्स गडर मस्ट बी डिजाइंड एज तो राइट आंसर ऑर्डिनरी बीम तरह होगा गडर एज ऑर्डिनरी बीम Question number one forty three. In open channel flow, right answer option option number C. Hydraulic gradi gradient line coincide with free surface. Question number one forty four. Soil is considered to have system of right answer option number D. Three phase system. Question number one forty five. The characteristic feature of barrage is right answer option number C. Provision of series of gate across the river of flow regulation. क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी सिक्स जेनरली वाटर यूज फॉर मेकिंग एंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज कॉल्ड राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पोर्टेबल वाटर क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी सेवन साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड मास ट्रांजिट फैसिलिटी इन सिटी शुड बी बेस्ड ऑन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डेटा क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट ए बॉडी ऑफ सॉइल इज सेट टू बी इन प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इफ एवरी पॉइंट ऑफ इट इज़ ऑन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भर्ज ऑफ फेल्योर क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी नाइन Lightweight concrete is used in right answer option number B air condition conditioning of building 150 number question septic tank cannot be constructed by right answer option number D wood 151 number question the maximum Pressure which the soil can carry safely without risk of shear failure is called right answer, right answer option number A safe bearing capacity Question number 152 bleak script theory of seepage assume right answer option number D equal weightage to horizontal and vertical creep Question number 153 eccentricity is defined as the distance from the load to the, the right answer option. Option number D center of the section. Question number 154 power transmitted through pipes will be maximum when head loss due to friction is equal to right answer option number D 0 0.33 times the total head at inlet of the pipe. Question number 155 silt ejector is provided. Right answer option number B in the canal in the head reach. Question number one fifty six. By arithmetic check we can ensure the accuracy of right answer option number B label obtained from the labeling observation. Question number one fifty seven. Azimuths are right answer angle measured clockwise from any reference meridian. Question number one fifty eight. A rainfall with an intensity of five mm per hour is classified as right answer option number C moderate rain. यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख सकते हैं एक बार ओवरव्यू कर लीजिए तो यहाँ पे फ्रेंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल टाइप सॉरी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल और यहाँ पे रेन टाइप टाइप यहाँ पे होता है फ्रेंड तो अगर जीरो से टू पॉइंट फाइव एम एम पर आवर रहेगा फ्रेंड तो उसको लाइट रेन कहेंगे टू पॉइंट फाइव से सेवन पॉइंट फाइव एम एम पर आवर रहेगा तो उसको मॉडरेट रेन कहेंगे और ग्रेटर देन सेवन पॉइंट फाइव एम एम पर आवर रहेगा तो उसको हैवी रेन बोलेंगे तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड नोट कर लीजिए विच टाइप ऑफ रिटनिंग वॉल यूज इट्स ऑन डेड वेट टू हैव स्टेबिलिटी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्रेविटी Gravity retaining wall 160 number question test used to determine ultimate bearing capacity and probable settlement under a given load is right answer option number a plate load. Question number 161 Which of the following equation is used in hydrological flood routing method? Right answer option number D continuity equation. 162 number question Which one of the following is not included in the natural air pollutant category? Right answer option number D pan. पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री विच वन ऑफ द फॉलिंग इज नॉट एन अपल्लीकेशन ऑफ कंट्रोल मैप्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डिटर्मिनेशन ऑफ लोकेशन ऑफ पीयर्स ऑफ ब्रिज क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी फोर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पान बाय डेप्थ रेसि परमिबल इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी फाइव प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज कॉल्ड राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फिजिकल ट्रीटमेंट क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी सिक्स फाइनेंस मॉडल ऑफ फाइन एग्रीगेट इज बिटवीन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टू टू थ्री पॉइंट फाइव ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस डिप्रीसीशन इज कॉल्ड बुक वैल्यू नंबर क्वेश्चन इरीगेशन कैनाल आर जनरली अलाइंड अलॉन्ग राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रिज लाइन बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डेप्थ ऑफ प्लेट गार्डर इन बिल्डिंग तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप

कर बीच फाइव डिग्री तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मुला आप सभी को पता होगा टू आर साइन डेल्टा बाय टू तो उसे कैलकुलेट कर लीजिएगा तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वन हंड्रेड फोर्टीन पॉइंट सिक्स मीटर द मैकेनिक्स ऑफ कंसिलेशन इन सॉयल वॉज डेमोस्ट्रेटेड बाई तरजागी विथ राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पिस्टन एंड स्प्रिंग एनालॉजी वन सेवेंटी टू नंबर क्वेश्चन द पार्टिकुलर प्लेसेज वेयर पेडेस्ट्रियन आर टू क्रॉस द पेवमेंट विच आर प्रॉपर्टी मार्क्ड बाय द पेमेंट मार्किंग इज एज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मार्क्ड क्रॉस वॉक लाइंस वाट इज द मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टू इंटू टेन टू दूर फाइव होता है फ्रेंड तो ए इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी फाइव सिमसन्स रूल कैन बी यूज ओनली वैन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ एरिया इज इवन जब इवन रहेगा फ्रेंड तभी सिमसन्स रूल का यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी सिक्स परसेंटेज ऑफ अर्थ कवर्ड बाय द वाटर इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेवेंटी वन परसेंट नंबर क्वेश्चन सॉइल पार्टिकल्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय टूगेदर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वेंडर वाल्स क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी इज सुटेबल फॉर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थ डैम फ्रेंड्स यहाँ पे वन सेवेंटी नाइन नंबर जो क्वेश्चन है द रिकमेंडेड प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट ऑफ मास कंक्रीट वर्क इज तो मास कंक्रीट वर्क में जो यूज करते हैं ऑप्शन नंबर सीन फोर एट वन इज टू फोर इज टू एट के प्रोपोर्शन में करते हैं क्वेश्चन नंबर वन एट्टी द इन हॉरिजेंटल वेंचुरी मीटर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन मेन पाइप इज तो लेस देन होगा फ्रेंड जो थ्रॉट में होता है उससे लेस होता है तो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा लेसर देन, देन दे वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द थ्रॉट सेक्शन तो ये थी फ्रेंड पूरी जो जे की ब्रांच पेपर सिविल इंजीनियरिंग की क्वेश्चन आई होप वीडियो अच्छी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सिविल बाइ टू पॉइंट जीरो को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो